बट सडनली आफ्टर शार्क टैंक शायद एज अ फीमेल फाउंडर आपकी तरफ लोग ज्यादा क्रिटिकल होते हैं. क्रिटिसिज्म के साथ साथ मोटिवेशन भी मिला. गुडगुड पिगी एक बहुत ही यंग स्टार्टअप था जब वो शार्क टैंक पे गया. लोगों से प्यार मिला है. उसके बाद से ग्रोथ कैसी हुई है? Hi, I'm Rashi Sang. This is Ballnut. We show journey of budding entrepreneurs. Today we are with Purva Agarwal, first woman solopreneur in digital wallet and banking space. इनका स्टार्टअप गुड गुड पिगी शार्क टैंक इंडिया पे रिसेंटली आया था. आइए मिलते हैं इनसे. हाय पूर्वा, कैसे हो आप? वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. या इट वाज इट्स रियली यू नो ग्रेट फॉर अस. सो हाउ वाज योर शार्क टैंक एक्सपीरियंस? या शार्क टैंक एक्सपीरियंस वाज बहुत ही वार्म. आई थिंक उसके बाद जो हमें लोगों से प्यार मिला है, द काइंड ऑफ लव वी हैव गॉट फ्रॉम एवरीवन, वो बहुत ही स्पेशल है. गुडगुड पिगी एक बहुत ही यंग स्टार्टअप था जब वो शार्क टैंक पे गया. 4 मंथ्स ओल्ड के थे हम जब हमने अप्लाई करा था. 6 मंथ्स एक कंपनी का मतलब बेसिक हम लोग उस टाइम पे सिंपल मतलब प्रोडक्ट आइडिएट हो रहा था, एक तरीके से स्क्रीन्स डेवलप होके वो ऐप कोड हो रही थी एंड वी गॉट द अपॉर्चुनिटी कि हम शार्क टैंक पे चले जाएँ. तो उस यंग एज पे जब एक बेबी छोटा सा होता है राइट, इतना सारे लोग आपको जानने लगे पहचानने लगे, तो इतना लव एंड अफेक्शन मिला है हमें शार्क टैंक के बाद कि इट इज वेरी नाइस. इतने पेरेंट्स ने हमें मैसेजेस लिखे, मेल्स लिखे, कॉल करा कि उनको गुड गुड पिगी अच्छा लगता है, उनको आइडिया बहुत अच्छा लगा है. इतना लव एंड अफेक्शन मिला है गुड गुड पिगी को कि इतना इनकरेजिंग है फॉर अ यंग स्टार्टअप. तो आपके उसके बाद से ग्रोथ कैसी हुई है? वेल, ग्रोथ बहुत ही इंटरेस्टिंग हुई है. इतना अच्छा हमें फीडबैक मिला बट सडनली आफ्टर शार्क टैंक वो स्केल यूजर टेस्टिंग और अजम्पशन टेस्टिंग का इज नाउ इन थाउजेंड्स एंड लकीली बिकॉज ऑफ शार्क टैंक हमारी जर्नी की रीच इतनी बड़ी हो गई है अर्ली ऑन. तो वो बहुत ही यू नो बहुत ही ओवरवेलमिंग है. आपको आइडिया कहाँ से आया था गुड गुड पिगी का? मतलब ऑब्वियसली आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेबल ही है बट फिर भी. वेल यार मतलब आइडिया एक होता है. आइडिया आई थिंक सबको 10 आते हैं हर रोज बेसिस पे ना. आप सोचो कि अगर ऐसा होता तो कैसा होता. सो आइडिया मेरा मेरे नेफ्यू ने दिया था. मैं लंदन से वापस आई थी, मेरे पेरेंट्स की 25th एनिवर्सरी थी, सिल्वर जुबली थी. तो मैं सबके लिए गिफ्ट्स लेके आई थी. तो मैं उसके लिए पिगी बैंक लेके आई थी लंदन से. तो मैंने उसको दिया जब हम लोग शाम को डिनर पे मिले. सब लोग मुझसे मिलने आए थे एंड वो गया सबके पास. उसने बोला कॉइन्स डालो. तो किसी भी यंगस्टर मतलब पेरेंट्स के पास भी किसी के पास कॉइन्स ही नहीं थे पॉकेट में. सब मतलब भीम जीपे रूपे यू नो ऑल दिस पेटीएम सब इस पे स्विच हो चुके हैं. सो नोबडी हैज यू नो कॉइन्स इन द पॉकेट. एंड फिर उसके बाद मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी के लिए हम बाहर ट्रैवल करने गए. सो आई स्पेंड टाइम विद हिम. तो मुझे रियलाइज हुआ कि मतलब वो बहुत ही मतलब पैसों के बारे में वो सोचता ही नहीं है. जो चीज़ है वो कार्ट में डाल देगा, Amazon से झट ऑर्डर कर देगा, कैश ऑन डिलीवरी. एंड ये एक बच्चा नहीं था, बहुत सारे. मैंने जब बातें करी पेरेंट्स से तो पता चला कि सारे बच्चे ऐसे हैं एंड शायद बच्चों की गलती नहीं है. बच्चे तो इनोसेंट होते हैं, मेरा ऐसा मानना ये है, बट एक एनवायरनमेंट की गलती है. सो फिनटेक यस इंडिया में बढ़ रहा है बट उसका इफेक्ट है यंग जनरेशन पे. जो मैंने नोटिस करा कि उनको शायद क्योंकि पैसा दिख ही नहीं रहा, वो एक्सचेंज ऑफ हैंड्स हो ही नहीं रहे पैसे के, तो उनको उसके वैल्यू कैसे समझेगी. लेकिन मेरा बचपन मुझे आज भी याद है, 8 रुपए की ब्रेड आती थी, 10 रुपए का नोट दे देते थे. मामा बोलते थे नीचे से जाकर आप ब्रेड लेकर आओ, 2 रुपीज बचते थे. और वो एक बच्चा का मन में उसके वेल्थ होती है मतलब. तो मन करता है कि आपको गुल्लक में डालो. वहाँ से सेविंग्स आप सीखते हो, वहाँ से आप पैसे की वैल्यू सीखते हो. बट आजकल के बच्चे तो सब ऑनलाइन शॉप कर रहे हैं. सो इन दैट सिचुएशन वो पैसे की वैल्यू ही नहीं सीखते. उनको लगता है कि बस ऑर्डर हो गया और वो कल आ गया. हमारे टाइम होता था कि आप पेरेंट्स को बोलोगे, फिर वो सोचेंगे, फिर एक हफ्ता हम प्लान करेंगे, फिर 2 मार्केट जाएंगे शायद मिले ना मिले, फिर वो 1 महीने के बाद चीज़ आपको मिलती थी, आपको खुशी होती थी. बट आजकल आप ऐसे ऐसे बच्चों की यू नो और स्पेशली पैंडेमिक के अंदर गिल्टी पेरेंटिंग कितना हो चुका है कि पेरेंट्स को इतना गिल्टी था, हाई मेरा बच्चा कहीं जा नहीं रहा, कहीं ये नहीं कर रहा. सो दे एंड अप पैम्परिंग द चाइल्ड अलॉट एंड उसके काफ़ी बिहेवियरल इफेक्ट्स हैं बच्चे के ऊपर. बिकॉज मनी पर्सनैलिटी जो है वो बाई द एज ऑफ 7 फिक्स हो जाती है.
तो अगर उससे पहले आप बच्चे को नहीं सिखाओगे तो कहीं ना कहीं उसकी पर्सनैलिटी में फॉरएवर आ जाएगा. तो बस यहाँ से थोड़ी सा आइडिया आया कि ऐसा करते हैं. फिर यूज़र टेस्ट करने शुरू करें, लोगों से बातें करनी शुरू करी, समझ आया कि सबकी स्टोरीज अलग अलग हैं. कोई कहता है कि हमारा 5 साल का बच्चा कहता है दादाजी को आप लैंड बेचाओ. क्यों बेचा है भाई लैंड? क्योंकि मुझे लेगोस खरीदे, पापा कह रहे हैं पैसे नहीं है हमारे पास, बहुत एक्सपेंसिव हमने. मतलब दीज आर फनी स्टोरीज. और भी पेरेंट्स हैं, अब पेरेंट्स आई मीन हैप्पी कि अगर वो लिखें आपके कॉमेंट सेक्शन पर कि उनकी क्या स्टोरीज हैं अबाउट मनी एंड देयर चिल्ड्रेन. बट जितने पेरेंट्स से बात करो यूनिक स्टोरी सुनाते हैं, बड़ी हंसी की बातें होती हैं बट उसके पीछे बहुत डीप साइंस है. जो मनी मेरे अकॉर्डिंग एक लाइफ स्किल है, तो ये लाइफ स्किल सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है राइट टाइम पे. साइंस मैथ्स इंग्लिश तो सिखा ही रहे हैं हम, बट मनी मैनेजमेंट तो आपकी लाइफ, आपकी फैमिली की लाइफ सबको इफेक्ट करता है. आप जस्ट मेरी 5 ईयर्स के हो, आप इतना कुछ अचीव ऑलरेडी कर लिया है और खुद का स्टार्टअप भी, मतलब कैसा फील होता है? इट्स वेरी नाइस. सो आई थिंक शो पे नहीं आया बट जब हम शार्क टैंक शूट कर रहे थे तो रणविजय ऐसे इंट्रोड्यूस उन्होंने करा था कि नेक्स्ट कंटेस्टेंट जो है हमारी वो लगने को तो 55 ईयर्स की है बट एक्चुअली 25 ईयर्स की है. तो वो आया नहीं टेलीविजन पे, बट जब वो शूट हो रहा था ना मुझे सच में ऐसा लग रहा था कि यार हाँ दिस इज समथिंग लाइक एक्चुअली आप करते रहते हो. आई एम अ पर्सन जो अपनी लाइफ को डे बाय डे लिव करता है राइट. तो कभी आपको पॉज करने का मिलता नहीं है टाइम कि आप रिफ्लेक्ट कर सको कि पीछे की जर्नी क्या हुई है. तो फॉर्चुनेटली नाउ विद दीज इंटरव्यूज आप इसे रिफ्लेक्ट बैक करके यू सी योर जर्नी और आप जॉइन द डॉट्स करते हो, बट अदरवाइज आप बहुत ही शॉर्ट वे में प्रोसेस करते हो अपनी लाइफ. सो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है मुझे ओवरऑल इन द एंड कि आपने मतलब इतना सारा एक्सपीरियंस जो आपने गैदर करा वो एक जगह पे आप अप्लाई कर सकते हो. सो एंटरप्रेन्योरशिप फॉर मी इज अ प्लेस जहाँ पे एनी एंड एवरी सॉर्ट ऑफ नॉलेज that you have you can apply. So I think before we were shoot starting this shoot also main aapse puch rahi thi acha YouTube ke bare mein batao aap mujhe. So I'm always curious to learn something new, kyunki kuch bhi aap learn karoge wo aap apply kar sakte ho entrepreneurship mein. Acha after Shark Tank aapko matlab funds kaise matlab logon ne approach kiya? Investors started calling us immediately. Almost 150-200 investors ne website pe hi hamare dal diye ki they want to invest इन द स्टार्टअप. तो वैसे तो टर्म शीट्स मिलती हैं स्टार्टअप्स को, बट गुड गुड पिकिंग के साथ रिवर्स हो गया. नाउ वी हैड द चॉइस कि हम टर्म शीट किसको इशू करें. सो इट हैज़ बीन इंटेंस, बहुत मज़ा आया. बट उसमें भी ना फिर देखना पड़ता है कि कुछ लोग कुछ बोगस भी होता है, कुछ रियल भी होता है. तो अब टीम भी छोटी सी थी, फिर कुछ लोगों को लगाया कि नहीं यार हर बंदे को कॉल करके देखो कि क्या ये करेक्ट है. फिर उसके अंदर जो करेक्ट लोग हैं, जो सीरियस इन्वेस्टर्स हैं, उसमें से किन लोगों ने पहले से स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रखा है कोई. बिकॉज इन द एंड मनी कुछ नहीं करता. आई एम अ फर्म बिलीवर कि स्मार्ट कैपिटल ढूंढना चाहिए हर एंटरप्रेन्योर को. कैपिटल इज नॉट द एंड ऑफ इट राइट. तो स्मार्ट कैपिटल कौन है? बिकॉज इन द एंड मतलब एक इन्वेस्टर कैन मेक और ब्रेक द स्टार्टअप. इट इज नॉट जस्ट द एंटरप्रेन्योर और नॉट जस्ट द प्रोडक्ट. एंड लकीली बाय नाउ गुड गुड पिगी हैज सम सीरियस इन्वेस्टर्स जो सिंडिकेट करना चाहते हैं, जो इस जर्नी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं विद द स्टार्टअप. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, आई थिंक इट्स अ लवली एक्सपीरियंस. मतलब 120 मिनट्स की हमारी पिच थी जो शो पे हुई, शायद टेलीविजन पे सिर्फ 12 मिनट दिखाया. तो 100 मिनट थे जो लोगों को नहीं पता क्या थे राइट. तो हाँ 100 मिनट्स का तो कॉन्टेंट किसी को पता ही नहीं है क्या था उसमें. जनरली शार्क्स केम टू नो कि मेरी लाइफ क्या रही है, मेरे अचीवमेंट्स क्या रहे हैं, कैसे मैंने डीन अवार्ड जीता है, या मेरे पेपर्स पब्लिश हुए हैं, कैसे मैं रिसर्च. तो आई थिंक वो शायद अनुपम का ऐसा रिसर्च में तो आप अव्वल हैं. वो इसलिए बोलते हैं वो लाइन क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ जान लिया मेरे बारे में. इफ़ यू रिमेंबर अनुपम का एक डायलॉग था कि आपकी इतना डेप्थ है आपके कैरेक्टर में, फिर भी यू आर लूजिंग मी. आई थिंक वो कहते हैं ऐसी लाइन. वो डेप्थ है कैरेक्टर में, वो सब कुछ वो 100 मिनट्स में अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो एंटरप्रेन्योर है कौन. तभी फिर वो इतने वाउच से अमन कह सकते हैं नहीं शायद आप अक्वायर कर लें आगे जाके. तो वो सारा जो कॉन्फिडेंस शार्क्स में आता है वो चीज़ें कहने का, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, वो तब आता है क्योंकि वो इतना टाइम स्पेंड करते हैं स्टार्टअप के साथ. वो सिर्फ 12 मिनट की पिच नहीं है जो आप देख रहे हैं, वो एक जीरो और ऐड करिए 120 मिनट की पिच है जो एक एंटरप्रेन्योर और शार्क के बीच में. बिकॉज वो ही एक चांस है मिलने का. तो वो चीज़ें काफ़ी थी
जो शो पे नहीं दिखाई अबाउट योर पर्सनालिटी अबाउट योर जर्नी छोटे छोटे नुआंसेस स्टार्टअप के बारे में प्रोडक्ट को देखते हैं वो जैसे आपको वहाँ पे इतना क्रिटिसिज्म मिला उसके बाद बीइंग अ वुमन आप कैसे वुमन एंटरप्रेन्योर्स को लड़कियों को जिनको अपनी लाइफ में एंटरप्रेन्योर बनना है बिजनेस करना है कुछ भी करना है तो उनको कैसे आप इंस्पायर करना चाहोगे या क्या सजेशन देना चाहोगे एक्चुअली क्रिटिसिज्म के साथ साथ मोटिवेशन भी मिला इक्वली नमिता ने प्लॉट करा उन्होंने बोला आप अक्वायर कर सकते हैं एंड ये ट्रू है ये रियल लाइफ में ट्रू है कि एज वुमन जब आप कुछ भी करने जाओगे बीइंग अ वुमन एंटरप्रेन्योर एज अ फीमेल फाउंडर आपको क्रिटिसिज्म भी मिलेगा आपको मोटिवेशन भी मिलेगी शायद एज अ फीमेल फाउंडर आपकी तरफ लोग ज्यादा क्रिटिकल होते हैं देन अ मैन राइट एंड इट्स ऑल्सो ट्रू फ्रॉम द गर्ल्स पर्सपेक्टिव कि शायद आप ज्यादा कम रिस्क टेकिंग होती है थोड़े फन क्वेश्चंस करते हैं आप मतलब दिल्ली में रहते हो फन के लिए क्या करते हो अपार्ट फ्रॉम लोगों को बहुत बड़ा यू नो मिसकंसेप्शन है कि एंटरप्रेन्योर्स तो बोरिंग होते हैं तो कैसे चल करते हो यार एंटरप्रेन्योर्स का फन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि वो बैलेंस कर सकें वो स्ट्रेस लेवल्स मैं पर्सनली अपने मतलब पास टाइम या स्पेयर टाइम के अंदर आई एंजॉय रीडिंग मुझे पसंद है ट्रैवल करना तो मैंने इंडिया में काफ़ी ट्रैवल करने के प्लान्स हैं अलग अलग जगह तो अभी जैसे लेटेस्ट मुझे थोड़ा सा ब्रेक मिला तो मैं घूम कर आई स्पिति और ये सारा एरिया आपके फैमिली और आपके फ्रेंड्स का आपके कैसे सपोर्ट है फैमिली एंड फ्रेंड्स सब बहुत सपोर्टिव हैं एंड आई थिंक उनका सपोर्ट भी इसलिए है बिकॉज उन्होंने वो इनिशियल ट्रैक्शन देखी है गुड गुड पिगी की और जैसे जैसे आप प्रोग्रेस दिखाते हो तो वो लोग बढ़ते रहते हैं राइट सो आई थिंक सक्सेस के अंदर सब आ जाते हैं धीरे धीरे व्हेन यू कीप क्लाइंबिंग पीपल कम विद यू